अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग। आज जो है मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द फूड यस्टरडे व्हाट आई हैड। आज तक मैं कभी भी जो है नेवर गिवन एनी रिव्यू ऑफ एनी होटल। आई ऑलवेज यूज टू से कि भाई द फूड इज गुड, बट आफ्टर यस्टरडेज डिनर आई थॉट अब जो है आई हैव टू स्टार्ट गिविंग एग्जैक्ट रिव्यूज हाउ एक्चुअली द फूड टेस्ट। सो कल जो है मेरे को पहली बार आई एम नॉट गोइंग टू शो एनी इंडिविजुअल फूड का रिव्यू मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कल जो ऐसा मूड खराब हुआ ना कि भाई आई थॉट कि भाई अभी ऑनेस्ट रिव्यू देने से जो है इट्स बेटर दैट पब्लिक नोज कि भाई विच रेस्टोरेंट इज गुड एंड विच रेस्टोरेंट इज बैड। सो अब मैं आपको ये आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं कि भाई द मेनू व्हाट आई ऑर्डर्ड, से आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इंडिविजुअली फूड कैसे था नहीं बोलूंगा, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज हॉरिबल horrible experience from the point of entry exit, the experience was horrible। मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देयर कस्टमर बेस, बिकॉज किसी को अच्छा लगता होगा किसी को बुरा लगता होगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट एंड उनका रेपुटेशन बिगाड़ना नहीं चाहता कि अगर किसी को पसंद है तो वहां पर जाके खाए, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो इंडिविजुअल डिसीजन है, वो इट्स नॉट ए कलेक्टिव डिसीजन। अब चलते हैं सीधा फूड पे। सो अभी ये देख सकते हैं आप फूड टेस्ट वाइज जो है फूड वाज गुड। आई विल नॉट से कि टेस्ट वाइज कुछ चीजें अच्छी थी कुछ चीजें खराब थी। सो अब खराब में क्या थी कि पूरा ही मतलब द सिस्टम, जैसे कि अगर एक रेस्टोरेंट इज इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री अगर आपको वो इफ दे डोंट केटर यू प्रॉपरली देन पूरा मजा ही किरकिरी हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए ही सेड के भाई इट वाज अ वीकेंड, डेफिनेटली सैटरडे वाज अ वीकेंड, सो वीकेंड में जो है रश ज्यादा रहता है। तो आई आस्क के भाई ऊपर देयर इज प्लेस और नॉट, इज इट आई डोंट नो भाई, यू आर रनिंग द रेस्टोरेंट एंड यू शुड नो के ऊपर जगह है नहीं है। एनी हाउ वो उसके बाद जो है वाज काम इनफ। उसके बाद जो है फिर से आफ्टर दैट फूड को हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर लेने में भी ही वाज वेरी मच लाइक वो जो ऑर्डर दे लेना चाह रहा था वो ले रहा था एंड विच ही डिडंट वांट ही डिड नॉट टेक, आई वाज ओके विद दैट आल्सो। फिर फूड वाज ओके, द चिकन वाज गुड बट द शीख कबाब वाज हॉरिबल। एनी हाउ वो भी खा लिए। फिर नान आई आस्क्ड वेरी स्पेसिफिकली आस्क्ड कि भाई हाउ इज द नान, इज द सेम व्हाट यू हैव शोन इन द पिक्चर, ही सेड यस एंड आफ्टर दैट इट वॉज अ टोटली डिफरेंट वन, इट वॉज लाइक द नॉर्मल नान व्हाट ही गेव। सो एनी हाउ सी फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट, हॉस्पिटैलिटी वॉज 0 out of 5 एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि वॉट इज कमिंग टू योर टेबल वॉट इज नॉट कमिंग टू योर टेबल एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड यस्टरडे। सो एनी हाउ अगर आप भी ऐसे कोई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जैसे ही आप होटल के अंदर एंटर करते हैं अगर आपको बर्ताव सही नहीं लग रहा है ना तो वहां पे जो है खाना मेरे हिसाब से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बिकॉज द होल इंटेंशन ऑफ गोइंग एंड हैविंग फूड आउटसाइड इज जस्ट टू रिलैक्स। अगर उसमें भी अगर आपको इफ यू लाइक समबडी इज लाइक नॉट गिविंग यू द प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी आई डोंट थिंक सो यू कैन एंजॉय द मील रेस्ट ऑफ द मील। सो एनी हाउ ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट यस्टरडे, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू रिव्यू इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। सो अगर आपको भी ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को यहां तक देखे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फॉर मोर रिव्यूज ऑफ रेस्टोरेंट्स। सो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और हाँ फाइनली जो है पूरे खाने के बाद द गुड एक्सपीरियंस वॉज द कलकत्ता मीठा पान, ही रियली गेव इट विद अ स्माइल, सो ओवरऑल पान वॉज गुड। सो इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू।